जो सॉल्वेंट क्या हो, पोलर होने सॉल्वेंट हो, तब क्या होगा? तो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन आरवर्ड होता है, फेवर्ड होता है, फेवर्ड होगा। क्या बोलता है? जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक मतलब समझ में आ गया, पोलर भी हो और प्रोटॉन भी देने वाला हो, तो वह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन जो है वो क्या होता है? फेवर्ड होता है। ठीक है, इसमें आगे देखिए, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? SN1 रिएक्शन अनफेवर्ड, फेवर्ड होगा। अदरवाइज SN1 रिएक्शन क्या होता है? अनफेवर्ड होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां से क्या देख सकते हैं, जो CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे लिविंग रिएक्शन जो है वो क्या है? लिविंग। ठीक है, तो इसका जब हम क्या करते हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो फेवर्ड करेंगे CH3 CH3, यहाँ पे आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये CH3+X। ठीक है, बट इन अनपोलर सॉल्वेंट, तो CH3 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 और X है, यहाँ पे क्या है? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तब क्या होगा? तो ये जो पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नो प्रोडक्ट, नो, ये नॉट फेवर्डली, फेवर्ड ये ऐसे। तो इसमें क्या होगा? जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तब तो यह प्रोडक्ट देगा, लेकिन जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होगा, SN1 रिएक्शन जो है वो फेवर्ड नहीं, ये वाला इसका इफेक्ट होता है काइनेटिक्स। तो जो काइनेटिक्स पर इफेक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक्स क्या होता है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, कौन सा? SN1 है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब फॉलो होगा? जब पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है तब यह फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हेंस सॉल्वेशन या सॉल्वेंट यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो देखो क्या बोला, यदि सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1 या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। इसका दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑन SN2 रिएक्शन, दूसरा इसका देखते हैं, इफेक्ट ऑन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या बता सकते हैं? जब जब सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन फेवर्ड
करता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन फेवर्ड करता है। तो इसके बेसिस पर रिएक्शन हम ये देख सकते हैं, देखो तो H C H H और इससे जो है X, ठीक है, ये क्या हुआ, तो इसका जब हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो ये चेंज होगा H C H H और ये है प्लस एक्स माइनस। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वह क्या करता है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है या फेवर करता है, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फेवर करता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट इफेक्ट कंप्लीट। अगला क्या है, क्या पढ़ोगे, कौन कौन सा है उसको किसको शुरू करें, ऐसे भी कौन सा ब्रॉन्स्टेन कैटलिस्ट, ब्रॉन्स्टेन कैटलिस्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है ब्रॉन्स्टेन कैटलिस्ट, तो ब्रॉन्स्टेन कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन देखिए, ब्रॉन्स्टेन कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन। तो यहां पर बोल सकते हैं ब्रॉन्स्टेन कैटालिसिस रिलेशनशिप लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप है, यहां पे बता देते हैं हम लोग linear free energy एक रिलेशनशिप है जिसके बीच में जो लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप के बीच, इसमें जो कि एसिड बेस के आयनाइजेशन से रिलेटेड है, इसमें जो कि एसिड बेस के आयनाइजेशन से रिलेटेड होता है जो कि क्या होता है, तो एसिड बेस के आयनाइजेशन से रिलेटेड होता है। वेयर एसिड आर बेस कैटालिसिस है, जहां भी यह लिख सकते हैं वेयर एसिड आर बेस जो है, बेस क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट है,
जहां पे एसिड और बेस क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट का काम जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, को एक्सीलरेट करते एसिड ऑब्लिक बेस, ये एक कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन इक्वेशन के द्वारा इसे कोरिलेट किया जाता है, कोरिलेशन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है इसका, देखिए इस कोरिलेशन को हम बोल सकते हैं कि फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा इसे को रिलेट कर सकते फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा को रिलेट कर सकते। तो फॉलोइंग रिलेशन कौन सा है, तो इसके लिए रिलेशन दिया जाता है लॉग के, लॉग के इज इक्वल टू है अल्फा लॉग के ए प्लस सी, अल्फा लॉग के ए प्लस सी। ठीक है, और दूसरा देखिए तो होता है लॉग के इज इक्वल टू होता है माइनस बीटा लॉग ए प्लस सी। ठीक है, जहां पे जहां पे वेयर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, इसको देखो आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट अल्फा और बीटा जो है वो कॉन्स्टेंट होते हैं, सी सी इज आर कॉन्स्टेंट रिलेटिंग टू द फिट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड सी ए, सी और सी जे क्या होते हैं, आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रिलेटिंग रिलेटिंग कॉन्स्टेंट रिलेटिंग टू द फिट ऑफ द लाइन। ये इस ये जो लाइन है एक रिलेटेड टू द फिट ऑफ द लाइन, तो ये क्या होते हैं, ये सी और सी बेस जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह कांस्टेंट क्या होता है, यह कांस्टेंट होता है जिसे लीनियर जो रिएक्शन होते रहेगा उस लाइन में फिट होने वाला कांस्टेंट, मतलब जो ये वाला लीनियर रिलेशन जो बोले ना लीनियर रिलेशनशिप, तो वो क्या बोलते हैं रिएक्शन कंटिन्यू में होता है, उस कंटिन्यू में होने वाले मतलब उस लाइन में होने वाले क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं जो कि उस पे फिट किए जाते हैं। ये चीज यहां पे बता रहा है, तो ये होता है अगला है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसको देखो, कोरिलेशन हो गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अगर अल्फा का वैल्यू मोर है तो वह इंडिकेट करता है कि देखो पहला एक्सप्लेनेशन, अल्फा का वैल्यू
तो ज्यादा हो तो वह इंडिकेट करता है रिएक्शन हाई एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है। ये अल्फा का वैल्यू मोर हो तो यह इंडिकेट करता है कि यह इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हाईली एसिडिक होता है। रिएक्शन हाईली एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा? हाईली एसिडिक कैटलिस्ट रिएक्शन। मतलब जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा? अल्फा अगर वैल्यू क्या है? मोर है, तो यह रिएक्शन होगा एसिडिक कैटलिस्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें देखें तो इसमें आगे बोलता है मीन्स प्रोटोनेशन रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। इसमें प्रोटोनेशन स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो जो प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन स्टेप जो होता है जिसमें प्रोटॉन का एडिशन होता है, वही स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जाना। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, दूसरा है बीटा। तो बीटा के लिए ये बोल सकते हैं, अगर बीटा का वैल्यू मोर होता है, यदि बीटा का वैल्यू मोर हो तो, बीटा का वैल्यू मोर हो तो यह इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है कि यह क्या इंडिकेट करता है? देखो, यह इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हाईली बेस्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है। रिएक्शन हाईली बेस्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन बीटा का वैल्यू मोर हो तो, बीटा का वैल्यू क्या हो? ज्यादा है तो यह इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हाईली बेस कैटलाइज्ड है। हाईली बेस कैटलाइज्ड मतलब बेस, हाँ, बेस से वह रिएक्शन हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। ऐसा हो, यहाँ लिख सकते हो रेट बीटा मोर है, तो ये होगा बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, दो भी मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में है, अगर बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो वह क्या होगा? बेस कैटलाइज्ड होगा। तो इस स्टेप में हम बोल सकते हैं, इसमें या जहां डी प्रोटोनेशन स्टेप, यहाँ पे डी प्रोटोनेशन स्टेप क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा? डी प्रोटोनेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, इसमें ये बता सकते हैं कि यहां पर कॉन्स्टेंट
अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट, अल्फा एंड बीटा क्या होता है, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, एसिड डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के, कॉन्स्टेंट के के देखो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट यूज हम करते हैं क्या क्या, अल्फा और बीटा, यह क्या करता है तो यह एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो कि होता है के ए, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए, और कंजुगेटेड बेस रिलेशन को दिखाता है, एंड कंजुगेटेड बेस रिलेशन रिलेशनशिप को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। बोलो कॉन्स्टेंट अल्फा एंड बीटा, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है, अल्फा एंड बीटा क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और कंजुगेटेड बेस के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है, मतलब समझ में आया, अल्फा और बीटा जो है वह एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के और कंजुगेटेड बेस जो है इनके मध्य रिलेशनशिप को बताता है, क्लियर है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलो यहाँ पे इसको इसमें है LFER, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, तो देखो तो LFER ब्रॉन्स्टेड प्लॉट, LFER समझ में आ गया, फ्री एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ ब्रॉन्स्टेड प्लॉट, ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड प्लॉट के लिए लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन एनर्जी रिलेटिविटी, इसमें क्या होता है तो इसमें बता सकते हैं एनी LFER ऑफ ब्रॉन्स्टेड प्लॉट, ब्रॉन्स्टेड प्लॉट के कोई लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप में इंडिकेट किया जा सकता है, में इंडिकेट किया जा सकता है, इंडिकेट किया जा सकता है कि यह ब्रॉन्स्टेड प्लॉट और रेट डिटरमाइन के टेंशन स्टेट पढ़ने वाले इफेक्ट का एवोल्यूशन किया जा सकता है कि यह प्लॉट क्या करता है, तो यह प्लॉट रेट डिटरमाइन, रेट डिटरमाइनिंग, यह प्लॉट रेट डिटरमाइनिंग के या रेट डिटरमाइनिंग स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट पर डिटरमाइनिंग स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट पर पढ़ने वाला इफेक्ट को एवोल्यूशन करता है। देखो क्या बोला है, संपूर्ण कोई जो लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड प्लॉट जो होगा यह इंडिकेट करता है कि
इसको इंडिकेट करेगा कि यह जो प्लॉट है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ट्रांजिशन स्टेप पर पड़ने वाले इफेक्ट को, ठीक है, मतलब सीधा सीधा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ट्रांजिशन स्टेप पर पड़ने वाला जो इफेक्ट है उसको हम LFER Bronsted प्लॉट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं या उसको दिखाते हैं या उसमें क्या होता है उस चीज को बताते हैं, इवोल्यूटेड होता है, ठीक है। ये है इसका देखें रिएक्शन के बेसिस पर, तो रिएक्शन के बेसिस पर तो रिएक्शन है, रिएक्शन के बेसिस पर हम क्या क्या बताएंगे, तो रिएक्शन के बेसिस पर ये दिखाएंगे, ये है इससे जुड़ा हुआ है X, इससे जुड़ा है NO2 और यहाँ से भी जुड़ा हुआ है NO2। इसका जब हम N, Amine के साथ लगा देते हैं यहाँ से दो रिएक्शन पॉसिबल है, K1 एंड K-1 दोनों हो सकता है, ठीक है। क्या जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको K1 दिए हैं और बैकवर्ड रिएक्शन है उसको K-1 दिए हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको एलिनियम आयन टाइप का एक इंटरमीडिएट मिलेगा, तो ये इंटरमीडिएट एलिनियम आयन नहीं है, ये क्या हो जाएगा तो NH2 और ये प्लस और यहाँ पे एक्स और ये NO2 और NO2 ये मिल रहा है, ठीक है। एलिनियम आयन क्या होता है, वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो यह एरिनियम आयन उससे अलग मिल गया। इस पर क्या करेंगे, इस पर जब हम K2 रेट देखें K2 और इस पर क्या कर देते हैं माइनस एक्स माइनस कर देते, ठीक है, तो देखो माइनस एक्स माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो दो तीन ये थ्री लिखो, ये ऐसा लिखो एच और ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है माइनस ग्रुप से बाहर निकल जाएगा, तो माइनस ग्रुप में बाहर निकलेगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा ऐसा और यहाँ से जुड़ा हुआ NO2 और यहाँ से जुड़ा हुआ NO2 और इससे जुड़ा हुआ मिलेगा NH, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड और ये हो गया, अच्छा ठीक क्या हुआ, एक्स माइनस के रूप में लिखा था मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेकर चेंज कर माइनस एक्स माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है ये जो निकला तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये इस प्रकार का, क्लियर, तो ये माइनस जो था जो कि रिंग में सर्कुलेट हो रहा था वो माइनस अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पूरा, तभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो कमी हुआ उसको पूरा कर दिया, ये हो गया और ये बन। इसका जब हम क्या करते हैं, तो इसका देखो तो यहाँ से H माइनस कर दें, H प्लस को यहाँ से निकाल दें, इसका ये K थ्री रिएक्शन लिखते हैं, K थ्री रिएक्शन रेट होगा KH NH NH, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको प्राप्त होगा ये, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में देखोगे कि ये माइनस इस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे एक तो जीव उपस्थित है, अब यहाँ से एच जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एच बाहर निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर अब देखो क्या बच जाएगा, यहाँ तीन बॉन्ड था तो प्लस था और हाइड्रोजन जो है वो माइनस निकल गया और अपना इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर यहाँ पे छोड़ करके बाहर निकल गया, तो यहाँ पे चार्ज खत्म, ठीक ये हो गया। और इधर देखेंगे कि NO2 और ये भी ठीक ये बन गया। अब इसका क्या होता है, तो इसका जब हम यहाँ से माइनस एक माइनस कर, ठीक है, माइनस एक माइनस तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को नेट कर देगा, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा NH एन और दो को उसका हो गया और यहाँ पे NO2 यहाँ NO2 और यहाँ पे जो एन रहेगा और इसका दो ये मिल जाएगा। इसी में देखो ये वाला यहाँ से भी आ सकता है, ये वाला क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस एच प्लस कर दें
ठीक है, तो -6 प्लस कर रहे तो यहाँ पे पी एच फोर हो जाए, उसके लिए सी एफ फोर देंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, तो इसको इसमें बताया गया है। अब इसमें देखोगे तो क्या होता है, इसका ग्राफ देखिए, ठीक है, तो ग्राफ यहाँ लिख करते हैं। ग्राफ क्या ब्रॉन्स्टेन प्लॉट के लिए, तो ब्रॉन्स्टेन प्लॉट के लिए ग्राफ देखेंगे तो ये कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये है 17 18, इसमें लिखा हुआ है पी के ए प्लस लॉग, पी के ए प्लस लॉग और पी दिया है, इधर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लॉग ये है इधर -4 -2 -1 0 और 1 f, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है log a1 ठीक, तो ऐसा होगा। अब इसमें क्या होगा, दो दो का अंतर में इसको दिया है, इसको बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको 2 से -2 से इधर लिखते हैं, इधर क्या है, तो 0 यहाँ 0 2 6 ऐसा होगा, दो अंतर है। नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, तो यहाँ से 2 से -2 से 0 -2 से 0 ऐसा एक ग्राफ प्राप्त हुआ, यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ और एक जो है वो ऊपर का ग्राफ प्राप्त हुआ। तो 2 से है 6, 2 से 6, 2 से 6, 6 ये ठीक है। तो ये ग्राफ प्राप्त हुआ, इस पर देखोगे तो क्या होता है, 17 पर ऐसा 5, इसके बाद 18 ये और ये है, इसके बाद 18 में है 3 2 1 इस प्रकार से हमको ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ग्राफ क्या बता रहा है, ये समझने तो ये इसमें क्या होगा, तो log k1 यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इस पर लिखा है log k1 oblique m इनवर्स s इनवर्स, ठीक है। इसमें ये लिखा है log k1 क्यू, ये क्यू है ना, क्यू ऑब्लिक m इनवर्स s इनवर्स, इस पर लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये लिखा है log a1 oblique a3 third log a1 a3 oblique a3 minus n inverse a3
ठीक है। तो इसमें हम सिंपल से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो -1 -2 -3 है, ये K1, ठीक है, K1 के परसेस में किया हुआ है किसके साथ, P के A log के साथ, ठीक है। तो इसका एक गुणनफल नहीं बनेगा, लेकिन ये होता है ऐसा, इसको कर अच्छा दिया मन कहता है कि वैसे खुली क्या तो भी चले। हाँ नहीं नहीं लेकिन ये टॉपिक वाइज नहीं हो, टॉपिक वाइज करने में कठिनाई जाएगा वो क्योंकि चल रहा नहीं सब कहाँ स्पेक्ट्रो का तो मुखी है नोट्स है, और वैसे जैसे मेरे नोट्स है ना वो इंग्लिश इंग्लिश पूरा। हाँ तो जो बोला थी वोकल लिखे जाए लाइक जाए लाइक वोकल लैंग्वेज ठीक है, लेकिन तब दिन के लिए ना नहीं नहीं। बैठे लगी प्रैक्टिकल उसका लिस्ट लाई काफी लिस्ट जो लिखी है उसको। हाँ हाँ ठीक है, आज इतना पढ़ते हैं।